ही मेरी ताकत, इससे ज्यादा यहाँ तो रसूल की कोई बात हो सकती। अब सुन लीजिए दूसरी बात, ये मथुरा उनका एक इलाका है, मथुरा क्रिश्चियन जन्मभूमि है। राम तो हिंदुओं में सबसे ज्यादा जो पूजा की जाती है क्रिश्चियन जी की पूजा की जाती है, और वो क्रिश्चियन जन्मभूमि होने की वजह से चारों तरफ बड़े बड़े तीर हैं। 12 कोस का मतलब ये समझिएगा तकरीबन 36 किलोमीटर के उसमें बड़ी बड़ी परिक्रमाएं हैं। लोग मुसलसल 12 साल से लोग तवाफ कर रहे हैं, वहां भी तवाफ करते हैं, ऐसे आराम मानते हैं, चट्टी आलू पहनते हैं वो उसी तरह। और बाल जो है ऐसे उनकी हड्डियां भी सूख गई हैं, वो इतना बेचारे अल्लाह को रही तो रहे इसी में अल्लाह राजी होता है। गोबर खाने एक जगह है, वो बड़ा तीर्थ है, असल में यहाँ ये कृष्ण जी ने गाय चराई थी, यहाँ उनकी ससुराल थी, यहाँ ये था, इस तरह उनकी याद जाके बैठा हुआ मंदिर बनाए हुए हैं। तो गोवर्धन में 10 किलोमीटर से लेट कर जाते हैं वहां पर जो श्रद्धालु हैं, अकीदतमंद लोग लेट गए फिर निशान लगा दिया फिर लेट गए, 10 किलोमीटर का फासला लेट कर ही तय करते हैं। उस गोवर्धन के करीब में अल्लाह की शुक्र जो दलित लोग हैं, हरिजन लोग, चमार जिनको कहते हैं, और बड़ी तादाद अल्लाह बस्तियों की बस्तियां मुसलमान हुए हैं, अल्लाह की शुक्र काम हो रहा है। तो वहां जो हमारे मेन दाइये भाई परतुशा है, उनके 2 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मदरस की एक मुजम्मिल हमारे यहाँ फलत मदरसे में, फलत का मदरसा हमारे नजरे की शाखे हैं बहुत सारी, उसमें एक पहला दूसरा और तीसरा रिजल्ट आता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा पहला दूसरा ही आ रहा है अल्लाह की शुक्र। यानी अब तक बहुत मेयारी मदरसा समझ आता है, उसमें 400 बच्चे बाहर के रहते हैं, उन पूरे मदरसे को टॉप करते हैं वो दोनों बच्चे जब से आए, सबसे ज्यादा नंबर वही लाते हैं मदरसी मुजम्मिल या मदरसी या मुजम्मिल बिल्कुल चाहे महसूस नहीं हो रहे भी आने के माहौल बदला है। इतना अच्छा कुरैशी पढ़ते हैं, इतने अच्छे लहजे में, एक शेख सुदेश के लहजे में पढ़ते हैं, एक शेख सुरेन के लहजे में पढ़ते हैं दोनों भाई। तो उन्होंने ये ख्याल हुआ भाई परदेशा ने ये बात कही कि असल में ऐसा है कि वो मेरी बच्चे तो बहुत दिनों में आलिम बनेंगे, मेरी बड़ी बच्ची है, मेरी चाहता हूँ कि आलिम से इसकी शादी हो जाए तो कौम में दाई पैदा हो जाएगा, जरा अच्छा रहेगा घर का जरा खानदान। तो मैं तलाश कर रहा था लेकिन तलाश करने में जरा कुछ वक्त मिला लगा, तो एक दिन मैं गाड़ी से आ रहा था, ड्राइवर हमारे हाथ का पेश आ गया था, तो हमारे भतीजे रिश्ते के भतीजे हैं वो गाड़ी चला रहे थे, वो भी लंबे तड़ंगे हैं, खूब अच्छा कद है, बस ये है कि सबसे बड़ी वो होती है कि दाढ़ी नहीं है। और वो मुझे ये भी लालच था कि कोई बात करने लगे भाई इन लोगों को हमें अपनाना चाहिए, खासतौर से हरिजनों को, दलितों को, इनके अंदर हमें शादियां करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। तो वो अचानक ऐसा उसे जज्बा कर रहा था, उसने कहा चाचा मेरी शादी कर दीजिए आप उनके। मैंने उसे समझाने के लिए और दड़ा वो करने का लगा कि ये बात शरीय एतबार से सही नहीं थी। मैंने कहा बेटे चमार है चमार, इस्लाम में तो कोई गुंजाइश नहीं है इसकी, एक हमारे हम लोग यहाँ रहते हैं ऊंच नीच का वही जो जाहिलियत का तस्वुर है उसमें जिंदगी गुजारते हैं। एक ब्राह्मण हमारे यहाँ आपने यहाँ देखिए अगर हिंदुस्तान में आएगा ब्राह्मण तो हम हाथ धो के पानी पिलाते हैं, और एक हरिजन आ जाए चमार हो या बंगी हो तो हम उसे नीचे बैठते बिठाते हैं, पास बिठाना पसंद नहीं करते, इस्लाम में तो कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। लेकिन मेरे ख्याल से बाद में कुछ बात हो इसलिए उसे ठोकने के लिए, मैंने कुछ भी हो तो क्या बात है, जब दावत का फायदा होगा तो कोई हरज नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी बात, तो पढ़ा लिखा भी है, शरीफ भी है, नवाजी भी है, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन मैं ये भी लालच था कि ये दीनदार हो जाएगा, दावत सवाल बुझ जाएगा और जरा मुशर्रा भी हो जाएगा। तो मैंने उनके वालिद से बात की, वालिद साहब भी तैयार हो गए, मुझे खुशी हुई और दुआएं भी निकली कि चलो भैया जज्बे की बात है। तो मैंने उसमें भेज दिया, मना के रास्ता हमारे साथी वहां जिम्मेदार है, उनको फोन किया कि आप भाई परदेश शादी इनको मिलवा दीजिए, उन्हें बताइए कि हमारे भतीज जाए। हमारा खानदान शाहजिल्ला रमसवाड़े का खानदान होने की वजह से पूरे मुल्क में बड़ा मोहतरम समझा जाता है, जरा इनको तारीफ भी करा दीजिए ताकि इनको ये मेरे वक्त था तारीफ से कल ये नहीं था वो खानदान क्या चीज है, असल क्या चीज है, नागराओ को इंदल्ला का था जो, लेकिन जरा चुके जो दावती इकबत की वजह से मुझे ख्याल हुआ कि नहीं हो कि भाई हम अपना रहे हैं खुश हो गए इस वजह से। तो वो क्या हुआ कि वो मैंने कहा उन्हें घर ले जाएंगे दिखा लेंगे आपस में एक दूसरे को। तो ये मालूम फोन किया तो मालूम हुआ वो भाई परदेशा उनको अपने घर में ले गए। तो मैंने बताया फिर रास्ता आपको फोन किया, मैंने कहा क्या बात है क्या हुआ कि भाई परदेशा में गए और घर जाकर अपनी अहलिया से मशवरा किया, तो वापस आकर ये कहा कि वो हमारी एक अहलिया ये कहती है कि मौलाना साहब से कहिए कि अगर अगर उसका हुक्म है तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर हुक्म नहीं है तो दिल चाहता है या तो आलिम हाफिज हो कम से कम, और आलिम हाफिज ना हो तो दाढ़ी वाला जरूर हो, बेदाढ़ी वाले से करने को दिल। वो सैयद घराने की बीवी क्या कह रही है डॉक्टर साहब की बीवी, और बातें तो सही है लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में लंबी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, और ये हरिजन की बीवी क्या कह रही है, ये कह रही है कि और तो सब बात ठीक है कह तो सकते हैं लेकिन बगैर तो या तो आली माफी दो नहीं तो बेदारी वाले से करने को नींद कर। वही इन तवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम
तुम मिला यकून अंसा लकुम, अगर तुम लोग गद्दारी करोगे तो हमें जरूरत नहीं, हमें तो अपने नबी को वरासाना लेकर जिक्र का वादा कर रखा है। नबी आपकी याद को, आपकी सूरत को, आपकी जवाब को, आपकी सुन्नत की दीवानगी को हम पहला करेंगे। अगर तुम ना अपनी सियादत पर ठोकर मारेंगे हम आए तो हम क्या करेंगे जो कदर करने वाले होंगे। तो अगर हमने दावत का एक काम नहीं किया, उसने मकसद जिंदगी समझ कर इसको फर्ज को अदा नहीं किया और इस शर्त को हम निर्भर यूं तो करते हैं, ये भी अजीब तभी बनाया हमें अल्लाह ने, एक तभी रोना रोता है वो मरीज तो ये बीमारी इतनी फैल रही है और वो मरीज है उल्टी कर रहा है और अस्पताल को तापुन कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तभी तभी नहीं है कोई रोना रोने के लिए, तो ये तुम्हारे हाथ में इलाज है, तुम्हें दवा दी गई। और ये एक नहीं सॉरी कई सब लड़ी आखिरी लोगों का हमें दुश्मनी से जो है हमें साफता है उसकी वजह से परेशान है। कुरान ने दावत के क्या नतीजे के तौर पर इंतजाई दर्जे में जो बात करिए फैसल लड़ी भाई ना कहो भाई ना अदाव तुम कह लो वही हमें जो तुम्हारा आखिरी दर्जे का दुश्मन है वो तुम्हारे दीदी दोस्त हो जाए, इस्लाम कबूल करे ना करे। तो दुनिया में जितना शर जिससे हम परेशान है सिर्फ दावत इस्लाम, दावत इस्लाम की खैर के फायर में लाना उसका इलाज है जो हमारे पास है। उसके बाद मरीजी की क्या वजह है, कैसे कैसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अल्लाह की शुक्र है, लेकिन साथ साथ एक बात ये भी है कि लोग जो है वही इस्लाम से दूर भी हो रहे हैं, मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। 50 लाख लोग हैं जो हरियाणा पंजाब हिमाचल दिल्ली का राजस्थान नहीं राजस्थान और मथुरा वगैरह के इलाके में है जो शुद्धि तहरीक और 47 के बाद उनके आबाद मुसलमान थे और मुर्तद हो गए, इन्हें हमारे साथी रफ्तार काम करते हैं। बहुत दिन पहले इंडिया टुडे में आई थी रिपोर्ट की 36 लाख लोग बांग्लादेश में ईसाई हो चुके हैं। मैं समझता था ऐसे अरेस्ट करने के लिए ऐसा से कम तरीफ अदा करने के लिए रिपोर्ट दी होगी, लेकिन मेरा सफर हुआ वहां उलमा से खास उलमा से मालूम किया मालूम है ये तो बहुत पुराने आदाद शुमार है, अब तो इससे ज्यादा कहां कहां के लोग कैसे कैसे मुर्तद हो रहे हैं। बरतानिया की जो सबसे बड़ी चर्च है उसके जो पादरी है वो अजीज खां है, वहां के मुर्तद है आगरा के इलाके में सदर वहां गांव के 25 साल एक मौलाना एक मदरसे के मोहतरम रहे और कादियानी हो गए और इधर शिवसेना के सदर मुसलमान हो रहे हैं। ये जो है हमारे नरसिम्हा राव के भाई क्या वहां रहते हैं गुंडू राव पहले मिनिस्टर भी थे जो है अपना हैदराबाद से खासे ताल्लुक रखने वाले हैं जानते होंगे, उन्होंने काफी दिन पहले इस्लाम किया और कबूल किया था हमारे भाई इश्तिहार के हाथ पर और आज हाफिज हो गए इंशाल्लाह। कैसे कैसे वाली लाल शास्त्री और कैसे कैसे हरियाणा वहां के ऋषिकेश हरिद्वार के कैसे कैसे लोग मुसलमानों के कातिल डाकू सेंसरपाल फौजी डाकू थे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक गैंग हुआ है फौजी के नाम से, हिंदुस्तान टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक कॉलम मेन पेज पर पहले पेज पर लगा रखा था कि 167 दिन तक कसम खाकर रोजाना एक कत्ल किया बेशक अल्लाह ने हिदायत दे दी, 40 के 40 साथी मुसलमान हो गए उनके बाद अलहमदुल्ला 40 के 40 साथी मुसलमान हो गए। कैसे कैसे माइक टाइसन मुसलमान हुए हमारे साथी कुलदीप साहब की दावत पर, माइकल जैक्सन उनके भाई पर काम किया था उन्होंने सिद्दीक भाई के भाई दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल खालिद साहब, उन्होंने जो है माइकल जैक्सन ने इतना कबूल किया आपके इतनी है कि दुनिया कैसा मकबूल तरीन आदमी मिल चलिया अल्लाह ने कैसी हिदायत दी कि 1,000-10,000 लोग मगरब में पिछले दिनों में एक वेबसाइट पर सर्च करवा रहा था 10,000 लोग मगरब में यानी अमेरिका में और इंग्लैंड वगैरह में और कई मुल्कों में यूरोप में फिर इससे बात को मुतासर होकर अब तक मुसलमान हो चुके हैं कि माइकल जैक्सन मुसलमान हुए 1.5 साल हुआ है और मुसलमान हुए। ऐसे ऐसे नचनिए और ऐसे ऐसे लोग इस्लाम में आ रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग इस्लाम से जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इनका तो अल्लाह इस्लाम से कमर गए मुस्लिम मायूरी से पहले कि हमें हमसे छीन कर दूसरों को देने का फैसला हो, हमें चाहिए कि हम जिम्मेदारी आज करें अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और हमारी जिम्मेदारी है हमारे बिल्ला शुभ अल्लाह को ये काम करना है होकर रहना है उसे हालात लग रहे हैं बिल्कुल साजगार है उसे हालात ऐसा लग रहा है पूर्व लाइला इल्लल्लाह तुम लोग कहने वाले दीवानों की जरूरत है सब ऐसे हालात अलीगढ़ में हमारे दो नौजवान साथी काम करते हैं तजवा कुरान पाक का एक सिलसिला शुरू किया है यूनिवर्सिटी में काम के लिए कि 200 घंटे में नए आदमी को पूरा तजवा करना है एक घंटा रोजाना अगर वो करे तो वहां पर मौली उमर अजहर अभी जो है नए सारे हैं बिल्कुल वो काम कर रहा है। अलीगढ़ में पिछले दिनों फसाद हुआ था पिछले महीने तो मैं हैदराबादी में था जमाने में उनका फोन आया कि वो नाने मेरे को नहाते लगते हैं मौली उमर उनका फोन आया कि अभी अभी एक नानक भाई रशिया वाले ने इस्लाम कबूल किया कहते कि वो अलीगढ़ में मैं जो है दूध यूनिवर्सिटी फार्म से दूध रक्षा वाले यानी साइकिल रक्षा चलाते हैं वो तो उस पर बैठा से बैठे और मैंने समझाना शुरू किया उधर में कलमा पढ़ लिया
दो किलोमीटर की बताओ। मैंने कहा तो वो तो तुम लोग 9-10 महीना हो गए, कितने रक्षा वालों ने इस्लाम कबूल किया तुम्हारे दावत पर? उन्होंने बताया कि 18 ऐसे रक्षा वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया जिनकी सवारी में हम बैठे 3 किलोमीटर ज्यादा साइकिल रक्षा में आदमी सवार होता है। और आधे घंटे की समझिए, आधे घंटे में रक्षा चलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आदमी तवज्जो से पूरी बात सुन भी नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद उतरने से पहले पहले बताओ क्या उन्होंने 13 किलो लगा चुके हैं उनमें। इससे मालूम होता है कितने आला साजगार है। इसलिए क्या जाहिर है कच्चे और पक्के घर के अंदर इस्लाम दाखिल हो रहा है, पूर्व कयामत के तमाम आचार जाहिर है, ऐसा लग रहा है यही जमाना है। तो हम लोग मगर ये जाहिर है कि फर्ज, एक बात और करके अपनी बात खत्म करता हूँ, ये दावत इजावत जो है ये फर्ज जमूर पका के इतवा है कि जुम्मत पर सबसे पहले आयद होने वाला फरीज है दावत। और दावत फर्ज है तो फर्ज अदा करने को अदा होगा। तारीफ ताजी कभी नहीं किसी की तारीफ करी, साहब बड़ी अच्छी बातें बताई आपने और आप बड़ा काम कर रहे हैं, किसी को ये कह दिया वो साहब फलाने काम कर रहे हैं वो फलाने, इससे नहीं चलेगा काम। फर्ज जो है अदा करने को अदा होगा। कोई बेनवाजी अगर सारी जिंदगी नवाजियों की तारीफ करता होगा वो तो वो है मुसलमान, हमारी तो कोई गैसियत नहीं है, हम तो काफी रजल गए गुजरे हैं और ये है वो है, तारीख फरीजा रहेगा जो उनको मिस्टेक होगा अल्लाह के यहाँ सजा दी जाएगी उसको अल्लाह। और अगर बेरोजेदार मुंह में बीड़ी पी रहा है सिगरेट लिए फिर रहा है कह रहा है हम तो काफिरों से गए गुजरे हैं, लो साहब हमारे क्या ईमान है, उनको देखिए कि वो नकली रोजे भी रखते हैं और पीर जुमेरात का भी रखते हैं या अंग्रेज के भी रोजे रखते हैं, वो है मुसलमान तो मौलाना साहब है मुफ्ती साहब है, तो ये सबके परिवार का मुजरिम है। इसी तरह दावत ये किसी दूसरे के अदा करने से कदर नहीं, हुकूक लिबाद का मसला है वैसे भी, हुकूक लिबाद तो माफ तौबा से भी नहीं होते, नमाज तो तौबा से माफ हो सकती है, रोजाना रखना तौबा से माफ हो सकता है, लेकिन हुकूक लिबाद जाहिर हक को हक अदा किए बगैर। और देखिए और हुकूक की बात तो यह है, मानी हुकूक तो हुकूक माफ भी करवा सकते हैं, इस हुकूक को माफ करने का यहाँ कारण नहीं है उन्हें बदू इनको कि वो भाई हमने माफ कर दिया इन्होंने मुसलमान नहीं किया हमें तो हम कोई नहीं किया वो करते, इससे माफ नहीं होने वाला है, ये तो सिर्फ अदा ही करने से अदा होगा। इसलिए इस जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको तफसीर करके फरमाए वास्ता बनाए हम देखते हैं اللہ مقدس رہے والا کریم دین کی دعوت کی نسبت سے ہماری تقریر کی چھوٹی سی مجلس کو قبول کرنا ہوگی، سننے اور سنانے والوں کو قبول کرنا ہوگی، دین کی دعوت کے لیے قبول کرنا ہوگی، ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیے، ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیے، ہمارے واسطے سے ہدایت کے فیصلے فرما دیے، اور والا کریم سب کو تو آپ نے اسلام کی خیر کو پوری دنیا میں پہنچانے کی ذمہ داری کے طور پر ہمیں دیا ہے، اس فرض کو ہمیں سمجھنے کی توفیق محسوس کرنا دی ہے، نبی کے درد کے ساتھ سوچ کے ساتھ اسی انداز میں ایک ایک گھر ایک ایک گھر ایک ایک انسان تک بھی ان کے کلم پیغام کو توحید کے اس کلمے کو پہنچانے کی توفیق طریقہ شعور اس کے مواقع محسوس کرنا دی، حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول کر دیا، ان کی تمام دعوت تمناؤں کو پورا فرما دی، ان لوگوں نے دعاؤں کو لکھا ہے لکھا ہے جو ان کا ہمارے اوپر حق ہو ہمارے ان کے تمام جائز مقاصد مسئلے برکت کے سوال ہے، دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔